Hello students, welcome to extra classes. I am Shourav, a passionate biology lecturer, and today we are going to discuss about further more topics in our chapter life process. और जो हमारा topic चला हुआ है, उसका नाम है respiration. और respiration के अंदर में मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी थीं. इसका basic like respiration का जो पहला step होता है, glucose का breakdown. और mainly respiration क्या होता है, breakdown of food material और, और उससे energy को लेना.

और अब मैं तुम्हें बढ़ाने जा रहा हूँ कैसे करते हैं प्लांट जैसा कि मैं बोल के गया था लास्ट लेक्चर में और स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन प्लांट्स 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 में तो देखो भाई नॉर्मली जाने जाते हैं कि इसलिए लगाओ क्योंकि प्लांट्स हमें प्लांट्स हमें क्या देते हैं ऑक्सीजन देते हैं और प्लांट बदले में हमसे सीओ टू लेते हैं इसीलिए प्लांट्स लगाओ है ना इसलिए प्लांट लगाओ देखिए आपकी ये बात एकदम सच है लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि जिसके दौरान प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ठीक है ना उसको क्या बोलते हैं बोलते हैं तो क्या प्लांट कभी सीओ टू नहीं निकालता है प्लांट भी सी टू रिलीज करता है ठीक है ना जैसे हम सी टू रिलीज करते हैं कौन सी प्रोसेस की वजह से रेस्पिरेशन की वजह से ऐसे ही प्लांट भी सीओ टू रिलीज करता है लेकिन कब कैसे कहाँ हमें पता क्यों नहीं चलता और ऐसा क्यों बोला जाता है ये सब चीजें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है ना तो देखो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम के रिगार्डिंग ये बातें बोल रहे हो ठीक है तो मैं एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूं आपको तो यहाँ देखिए डे दे टाइम में अरे हाँ जी डे टाइम में क्या होता है डे टाइम में फोटो हो रही होती है एज यू ऑल नो फोटो ठीक है ना

फोटोसिंथेसिस होता है तो हमें दिखता है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करी जा रही है जबकि जबकि प्लांट डे टाइम में रेस्पिरेशन भी करता है ठीक है ना प्लांट डे टाइम में रेस्पिरेशन भी करता है मतलब ऑक्सीजन लेगा और सीओ टू छोड़ेगा अब इसने जो ये सीओ टू रिलीज करी है उसी सीओ टू को ये रिलीज इस, इसी इसी सीओ टू को ये, ये यूटिलाइज कर लेगा कौन सी प्रोसेस में रेस्पिरेशन में तो इसीलिए सम टोटल करके हमें बस प्रोडक्शन दिखता है ऑक्सीजन का ठीक है ना सिर्फ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन देखता है क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान जो इसने रिलीज़ ऑक्सीजन तो तो इन डे टाइम ठीक है, वो किया है। इसने इन अच्छा ऐसा बोला जाता है देखो भाई इंसानों ऐसा बोला जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे ना सोया करें ठीक है ना पेड़ के नीचे ना सोया करो रात को रात के समय पेड़ नीचे नहीं सुना चाहिए क्यों क्योंकि भाई रात के टाइम पर जो ट्रीज होते हैं जो प्लांट्स होते हैं ठीक है वो क्या करते हैं वो फोटो नहीं करते हैं रात के टाइम में वो फोटो नहीं करते हैं सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में कौन सी गैस निकलती है सीओ टू निकलती है तो ऑब्वियस सी बात है जब ओ टू निकाल रहा होगा तो प्लांट के आसपास में मुझे कंसेंट्रेशन ऑफ सीओ टू ज्यादा मिलेगी जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि इस जगह पर ऑक्सीजन क्या मिलेगा मुझे कम मिलेगा और ऐसे जगह पर तो हम बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे जहां पर सीओ टू ज्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो क्योंकि ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है ठीक है चलो आई होप आपको एक सब कॉन्सेप्ट आगे होंगे अच्छा अब देखो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सीजन एक गैस है वो भी अंदर आ रही है ठीक है और सीओ टू एक गैस है वो भी बाहर निकल रही है तो मतलब गैसिस का एक्सचेंज हो रहा है किसका एक्सचेंज हो रहा है गैस यस एक्सचेंज हो रहा है और आप लोग बता ही सकते हो कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट के अंदर किस ऑर्गेनल के थ्रू होता है जी हाँ अगर आप स्टोमेटा सोच रहे हो तो एकदम सही सोच रहे हो क्योंकि मैं इसी की ही बात कर रहा हूं ठीक है ना तो जिस दौरान स्टोमेटा ओपन रहते हैं इसी दौरान स्टोमेटा में से गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा और जैसे ही स्टोमेटा क्लोज फॉर्म में मिलेंगे देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक है तो आई होप आपको पे प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन है वो समझ में आ गया होगा ज्यादा दिक्कत है नहीं इसके बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया पहले भी किसी लेक्चर में दिया था जब मैं आपके सामने बात कर रहा था जी पी पी इज इक्वल्स टू एन पी पी प्लस आर जब मैं इसकी बात कर रहा था ठीक है ना अगर आपको जीपीपी का मतलब नहीं पता है तो जीपीपी पर सॉरी जी, जी, पी पी, जी पी पी का मतलब है प्रोडक्टिविटी और NPB का मतलब है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और आर का मतलब है रेस्पिरेटरी लॉस ठीक है अगर आपको ये सब चीजें ढूंढनी है तो मेरे फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर को देख लीजिएगा इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए भाई आगे चलते हैं इंसानों अब देखो मैं बात करने जा रहा हूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ और डिफरेंट ऑर्गेजम मतलब कि अलग अलग ऑर्गेम्स के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलते हैं ठीक है मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा ठीक है तो बने रहिए लेक्चर में आपको वो सब देखने को मिलेगा यहाँ पे जो शायद ही आपको कहीं और मिलेगी ठीक है तो बने रहे वीडियो में और देखो भाई मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि आ, कुछ जीव होते हैं जैसे कि हैं 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 सीलेंट्रेट सीलेंट्रेट है। अब सर ये और क्या होते हैं? तो देखिए आपने नाइन्थ क्लास में डायवर्सिटी नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्पंजेस क्या होते हैं और सीलेंट्रेट क्या होते हैं ठीक है एनिमल किंगडम के अंदर में आते हैं ये तो ये बॉडी सर्फेस से रेस्पिरेशन करते हैं मतलब की बॉडी सर्फेस से इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलेगा ठीक है ना बॉडी सर्फेस से ही ठीक है इसके बाद गिल्स जो हैं बुक गिल्स हैं स्किन है, है ट्रैकिया है लंग्स है बुक लंग्स हैं ये अलग अलग ऑर्गम के अंदर हमें इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं आपको ये याद कर लेना है स्क्रीन ले लीजिए इसका ठीक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अदरवाइज आप एनसीआर टी की लाइन्स पढ़ते वहां पे आपको ढूंढ के निकालना पड़ता है यहाँ पे मैंने किसी एक बुक से अः टेबुलर फॉर्म में आपके सामने पेश कर दिया है ठीक है तो आपको याद रखना है बस क्या याद रखना है इसका रे, आ, मतलब कौन कौन से जीव है और कौन कौन सा उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बस इतना याद रखना है आपको ठीक है चलो एक आध को मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ लंग्स वगैरह और बुक लंग्स को छोड़ करके मैं आपको इन सब के बारे में बताता हूँ तो वीडियो में ठीक है अब हम एक एक करके जानेंगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में खुजली जरूर मच रही होगी कि सर बॉडी सरफेस से कैसे करता है बता दो ना गिल्स से कैसे करता है बता दो ना स्किन से कैसे करता है बता दीजिए ना सर प्लीज तो देखो भाई ओहो हाँ जी देखिए भाई ध्यान से सुनिए मैं आपको बताने जा रहा हूं गिल्स और बुक गिल्स में क्या फर्क है ठीक है भाई गिल्स का देखो क्या सीन होता है आ, फिश के अंदर एक ओपनिंग होती है गिल्स की जिसको ओपर कुलम बोलते मतलब कवर करता है ये गिल्स को तो गिल्स का बेसिक फंडा क्या है आ, जो वाटर होता है ना गिल्स मिलती किसके अंदर है जो एक्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं के अंदर हमें गिल्स देखने को मिलता है ठीक है तो जो एक्टिक एनिमल्स होते हैं एक्टिक एनिमल्स के अंदर हम कहा रहते हैं वो वाटर में रहते हैं और उनके अंदर स्ट्रक्चर कौन से दिखती है हमें वो दिखती है हमें गिल्स ठीक आप देखो होता क्या है बेसिकली वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है डिजोल्व ऑक्सीजन कुछ ऑक्सीजन वाटर के अंदर क्या होती है डिजोल्व होती है तो जैसे ही ये वॉटर इस फिश के माउथ के थ्रू इस गिल्स से पास होता हुआ जाएगा जैसे कि यहां पर ये गिल्स हैं और गिल्स से वॉटर वा, पास हो रहा है तो इस वॉटर में क्योंकि क्योंकि इस वॉटर में ऑक्सीजन है अब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा ठीक है ना मान चलो यहां पर है फिश की ब्लड वेसल्स ठीक है ना एक जगह पर और इसके बहुत नजदीक से होता हुआ जा रहा है वॉटर वॉटर पास हो रहा है वाटर जब यहां से पास हो रहा है तो आप देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं मान चलो यहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है इस वाटर में एज कंपेयर टू द ब्लड वेसल ब्लड वेसल में ऑक्सीजन बहुत कम है तो एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं तो देखो भाई डिफ्यूजन में होता क्या है डिफ्यूजन में क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल दो ये तो हो गया आपका नॉर्मल ठीक है ना अच्छा डिफ्यूजन की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लेकिन इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो मैं बताया जा रहा हूँ ठीक है डिफ्यूजन की पर्टिकुलर डेफिनेशन ये है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैं कोई छठवीं बार बता रहा हूँ आपको द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन ठीक है ना टिल इक्विलिब्रियम अकर्स अब देखो भाई यहां पर मैंने क्या बताया है डिफ्यूजन की डेफिनेशन जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो अपनी हाईअर कंसेंट्रेशन से जैसे कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया है वो वाटर के अंदर ज्यादा है अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो ब्लड वेसल से जो ब्लड वेसल मुझे कहाँ दिख रही हैं इस गिल्स से जो अटैच है ब्लड वेसल उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है बहुत ही कम है ठीक है तो होगा क्या मूवमेंट होगा ऑक्सीजन का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ठीक है ना तो इस तरह से गिल्स की मदद से ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन लेते हैं ठीक है ये एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए ठीक है कोई आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको जरूर से पढ़ें ठीक है ये एक्स्ट्रा है आपके लिए ठीक है फिलहाल गिल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब मैं आगे चलता हूँ गिल्स लैक अरेजमेंट होता है जैसे कि जो हो रही है, ये की है जो आप यहां पर देख सकते हो इधर में ये अरेंजमेंट कैसा है स्टैक लैक अरेंजमेंट है तो कुछ नहीं है बस मैकेनिज्म दोनों का ही सेम है काम करने का बस फर्क है इनकी स्ट्रक्चर का गिल्स नॉर्मली स्टैक में नहीं मिलते हैं जबकि बुक गिल्स स्ट्रैक्स में मिलते हैं स्टैक जानतेने जैसे हम बचपन में खेलते थे आपका तो बचपन ही चल रहा है खेल है ना हाँ जी तो हम ईंटों के ऊपर ईंटे जमाते थे स्टैक्स में तो ये जो गिल्स मिलते हैं बुक गिल्स ये इस तरह से मिलते हैं एक के ऊपर एक देखने में लगते हैं ठीक है तो इनको हम बुक गिल्स बोलते हैं और एक गिल्स होता है बस स्ट्रक्चर का फर्क है ठीक है ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं क्योंकि फायदा नहीं है बुक गिल्स किसके अंदर मिलता है अः इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिल रहा है ठीक है जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे देख सकते हो आप ठीक है बुक गिल्स का मिल रहा है ये किंग क्रैब किंग क्रैव कीकड़ा ठीक है इसके अंदर देखने को मिल रहा है ऐसे आप इन सबके ना एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा ठीक है इंसेक्ट्स के अंदर क्या मिल रहा है ट्रेक किया मिल रहा है वो भी मैं तुम्हें तो पढ़ाने जा रहा हूँ थोड़ी देर में ठीक है जी आगे चलते हैं यहाँ तक मैंने बता दिया इसके बाद आगे चलते हैं रेस्पिरेशन फ्रॉग के अंदर कैसे होता है देखो फ्रॉग बहुत ही स्मार्ट जीव मानता हूं फ्रॉग को कैसे कैसे तो देखिए फ्रॉग जो है ना वो तीनों तरह से रेस्पिरेशन कर सकता है लंग से भी कर सकता है स्किन से भी कर सकता है गिल से भी कर सकता है ठीक है ना कैसे कैसे देखो भाई लंग से कैसे करता है वो तो मैं तुम्हें तो तो बताऊंगा जब मैं तुम्हें ह्यूमन का रेस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा तो ह्यूमन तो जैसे रेस्पिरेशन करता है लंग्स के थ्रू ऐसे ही फ्रॉग लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है ठीक है अच्छा स्किन के थ्रू देखो यहाँ पे स्किन के थ्रू हो रहा है ठीक है ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है गिल्स का मैंने तुम्हें अभी बताया था गिल्स के थ्रू क्या होता है वॉटर पास होता है बॉडी के अंदर से ठीक है और उस डिजोल्व ऑक्सीजन को वॉटर से निकाल लिया जाता है ठीक है ना कौन निकालता है गिल्स निकालते हैं इसके बाद स्किन का क्या है? देखो भाई स्किन का स्किन जो होती है इनकी स्किन के बहुत ही क्लोज में ये देखो एपिडर्मिस लेयर है और इसके जस्ट नीचे जो डर्मिस लेयर है इसमें वीन्स चल रही हैं और आर्टरीज चल रही हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो हो क्या रहा है ये इतनी पास में है इनकी वेन्स और इतनी ज्यादा परमिएबल ये जो मेम्ब्रेन है इनकी बहुत ज्यादा क्या है परमिएबल है परमिएबल परमिएबल का मतलब जिसमें से चीजें इजीली पास ऑन हो सके ठीक है तो उसको हम परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं ठीक है अच्छा जी तो परमिएबल नेचर बहुत ज्यादा है इसकी स्किन के अंदर

नॉलेज लेने में क्या जा रहा है आपके ही जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं जो आप सोच रहे होंगे कि सर आ, ये, ये फ्रॉक कैसे करता है स्किन से कैसे रेस्पिरेशन होता है गिल से कैसे होता है ठीक है ना और बुक बुक गिल्स क्या होते हैं तो ये सब मैंने आपको बताया है बारिश आ रही है अगर आपको एक्सटर्नल साउंड आ रही है तो इग्नोर करें या फिर इसका मजा भी लें आगे चलते हैं अब ट्रैकियल रेस्पिरेशन कैसा होता है सुनिए भाई ट्रेकियल रेस्पिरेशन कैसा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया था किसके अंदर होता है इंसेक्ट्स के अंदर होता है इंसेक्ट्स के अंदर ट्रेकियल रेस्पिरेशन हो रहा है तो देखो भाई ये है कोई इंसेक्ट और इसके अंदर देखिए किस तरह से ट्रेकियल ट्यूब्स का मैकेनिज्म आपको देखने को मिल रहा होगा यहां पर ठीक है ना अब बताते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स काम कैसे करती है भाई देखो कुछ नहीं है बस एयर अंदर आ रहा है और ट्रेकिया जो है इनका जो विंड पाइप है ट्रेकिया को भाई हम विंड पाइप बोलते हैं याद रखना जैसे ईसोफेगस को क्या बोलते थे हम ईसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते थे ऐसे ही ट्रेकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं ठीक है ना विंड पाइप इसका सीधा किससे अटैच हो रहा है इसका जो विंड पाइप है वो आप देखिए सीधा टिश्यूज में जाकर के अटैच हो रहा है ठीक है ना सीधा कहा अटैच हो गया टिश्यूज में जाकर के अटैच हो गया है आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है तो सीधा ये टिश्यूज से जाके अटैच हो जाता है क्या इनका ट्रेकिया और ट्रेकिया मतलब क्या होता है विंड पाइप होता है याद रखिएगा ट्रेकिया मतलब क्या होता है विंड पाइप ठीक है जी हां जी अब आगे देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम से तो देखो भाई ह्यूमन के में यहां पे है ट्रेकिया लेकिन ट्रेकिया के बाद यहाँ पर और ब्रांचिंग देखने को मिल रही है जो कि लंग्स हैं लंग्स के अंदर जा रहा है और लंग्स के अंदर होते हैं बताऊंगा थोड़ी देर में एक, एक होती है, फिर उसके बाद ब्लड के ही मतलब ट्रैक किया जैसे हमारा तो ये ट्रैक किया हो गया हमारा ये ट्रैक किया हो गया हमारा ट्रैक किया तो सीधा टिश्यूज से कनेक्ट नहीं हो रहा है ठीक है ना लेकिन इसका जो ट्रैक किया वो सीधा किससे कनेक्ट हो रहा है टिश्यूज से कनेक्ट हो रहा है इसीलिए इस तरह के रेस्पिरेशन को हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है ये भी आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है सर इतना एक्स्ट्रा पढ़ा क्यों रहे हो भाई मन कर रहा है अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो जब मेरे से ये लेक्चर पढ़ने वाले बच्चे आपका सामना करेंगे तो फिर ये मत कहना ये कोई जरूरी थोड़ी ना नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है बच्चों देखो नॉलेज कभी भी ना बेकार नहीं जाती है ठीक है फिलहाल आगे चलते हैं

अंदर एक ओपरकुलम मिलता है ठीक है ओपरकुल अब यहाँ से इसको ये ये वाली जो जगह है ये वाली इसको ओपरकुलम बोलते हैं मतलब इसने मुंह ओपन किया है और ओपरकुलम इसका अभी क्लोज है ओपर कुलम होने की वजह से ये जो वाटर है इसके गिल्स में अच्छे से पास ऑन हो रहा है ठीक है ना गिल्स में अच्छे से पास ऑन हो रहा है और गिल्स में देखो होगा क्या ये रहे आपके गिल्स ठीक है ना और गिल्स के अंदर क्या हो रहा है जैसे कि यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज है इसकी वहां से जो ये वॉटर है वो पास हो रहा है अब वाटर पास हो रहा है तो वाटर के अंदर क्या होता है डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन आप देखेंगे यहाँ पर नीचे देखिए हो तो क्या रहा है नीचे मैं मार्कर चेंज करता हूँ हाँ जी यहाँ देखिए क्या हो रहा है तो ये जो ऑक्सीजन है ठीक है ना ऑक्सीजन जो है वो वाटर से निकाली जा रही है और लगातार उसकी परसेंटेज बढ़ाई जा रही है ब्लड के अंदर मतलब कि ये जो परसेंटेज नीचे बढ़ रही है इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है वाटर के अंदर से कौन सी ऑक्सीजन जो फॉर्म में थी ठीक है उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है और ब्लड स्ट्रीम में बह अब ये ऑक्सीजन कहा गया ब्लड स्ट्रीम में आ गया है ठीक है ना ऑक्सीजन कहा गया ब्लड स्ट्रीम में आ गया है क्लियर है ना हाँ जी तो इस तरह से ये ऑक्सीजन ले, ले लेते हैं कौन aquatic animals अब देखो एक और चीज और सुनिए ध्यान से एक और चीज और सुनिए यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है जब ये इन्हेल करते हैं मतलब जब इन ये वाटर अंदर लेते हैं तो उस टाइम पे इनका जो अपर कोलम है जिसको गिल कवर बोलते हैं वो क्लोज रहता है ठीक है ना लेकिन जैसे ही इनको एक्सहेलिंग करनी होती है मतलब अब बाकी का CO2 वगैरह इसके अंदर छोड़ना होता है तो क्या करते हैं ये ओपर कुलम को ओपन कर देते हैं और जो पानी इन्होंने अटका रखा तो वो पानी अब कहा जाएगा बाहर आ जाएगा ठीक है बस ये लास्ट एक्स्ट्रा था इसके बाद कुछ नहीं है बस आपको समझाना था ठीक है अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है अदरवाइज आपकी <laughs> आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए हमें खेद है ठीक है चलो आगे चलते हैं अब देखो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो होते हैं उसके लंग्स ठीक है ना लंग्स कितना टाइम हो गया चलो इसके रिगार्डिंग कल पढ़ाऊंगा ठीक है कल क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें मतलब नेक्स्ट लेक्चर में तो सुन लीजिए ध्यान से लंग्स है यहाँ पर ठीक है लंग्स का आप लोगों ने डायग्राम बना लेना है पहले से ही और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे एयर पास होती है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ठीक है ना तो देखिए नॉस्ट्रिल से हवा आती फेरिंग्स में गैपिग्लॉटिस कहाँ कहाँ से जाके लास्ट मेरे बुलाई में पहुंचती है उसके बाद में तो बताता कि कार्टिलेज रिंग जो होती है उसका मैकेनिज्म क्या है मैकेजम ब्रीथिंग क्या है ये भी बताता और फिर मैं तो बताता कैसे कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है हमारे अंदर ठीक है तो ये ह्यूमन के लिए मैं सेपरेट एक लेक्चर बनाऊंगा जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए ठीक है जी फिलहाल यहाँ तक का आप लोग नोटबुक में होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा मैं आपसे स्कूल में सब कुछ चेक कर लूंगा ठीक है खत्म